Hello everyone, this is Renu and today's video we'll learn omission of articles. Omission क्या होता है actually? Article का use हमें कहीं कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये बहुत important है हमें जानना. तो यहाँ पर मैंने कुछ rules लिए हैं जहाँ पर हमें articles का use नहीं करना होता, है ना? So that is omission of articles. So we'll take rules one by one along with their examples and exceptional cases. And in last of this video, I'll discuss few questions that will be related to the articles error only. Okay, so let's get started. Before a proper noun, जब किसी का कोई proper name होता है, उससे पहले हम article कभी नहीं लगाते हैं. Like the Ram, the Shyam, we never use like that. Okay, we always write Ram, Shyam. कुछ proper nouns ऐसे होते हैं जिनसे पहले article आता है, like the Ganga, the Yamuna. The sun, the moon, but not for the person. अगर किसी person या thing का proper name है वो, तो उससे पहले we never use an article. So the example is, Akbar was a great king. Okay? So here we'll write Akbar, not the Akbar. Okay? Next rule, before a common noun used in its widest sense. जब भी एक कॉमन नाउन का यूज हम वाइडेस्ट सेंस में करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉमन नाउन हमने ले लिया, उस कैटेगरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. लाइक मैन इज मोर्टल, तो वील राइट मैन, नॉट द मैन. होप दीज टू रूल्स आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट वन, बिफोर प्लूरल नाउन रेफरिंग अ क्लास इन अ जनरल सेंस. अगर एक प्लूरल नाउन रेफर कर रही है क्लास को, तो देन वी आर नॉट गोइंग टू यूज द. ओके, हाउ? बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट. सो हियर बिफोर बैंकर्स वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल, बिकॉज जो बैंकर वर्ड है वो जनरली होल क्लास के लिए यूज किया गया है. ओके, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट एक्सप्रेसेस क्वालिटी, स्टेट्स, फीलिंग और एक्शंस. ओके, some abstract nouns that express quality, state, feeling or action, before them we never use article. Example for that, honesty is the best policy. So we never write the honesty is the best policy. We always write honesty is the best policy. I hope this is clear. Before material noun, material noun kya hota hai? Material noun hota hai koi bhi metal, है ना? तो उससे पहले हम कोई भी मैटर, मेटल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उससे पहले हम कभी भी दा नहीं लगाते. अगर हम दा लगा देते हैं तो वो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है. लाइक गोल्ड, गोल्ड इज अ मेटल, है ना? तो व्हेनेवर वी यूज द गोल्ड, तो वो पूरा मीनिंग चेंज कर देगा, है ना? सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दैट, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल. ठीक है, तो यहाँ पर जो गोल्ड है वील यूज विदाउट आर्टिकल, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल. ओके, अगर हम दा गोल्ड लगा देंगे तो ये किसी पर्टिकुलर बंदे, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर हो जाएगा. बिफोर नेम्स ऑफ डिजीजेज लाइक फीवर एंड कोलेरा, तो कुछ फीवर्स और कोलेरा जैसी बीमारियों से पहले भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते. विल सिंपली राइट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, नॉट आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर या आई एम सफरिंग फ्रॉम अ फीवर. ओके, नेक्स्ट इज बिफोर नेम्स ऑफ रेगुलर मील, जो हमारा रेगुलर मील्स होता है उससे पहले भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते. लाइक ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर. ओके, टू द डिनर नहीं. ओके, नेक्स्ट वन, बट इस रूल में थोड़ा सा ये भी आपको समझना है, इफ द मील बिकम्स पर्टिकुलर आर्टिकल इज यूज, लाइक The dinner hosted by the friend was superb. ठीक है, if it is very specifically हम किसी dinner या फिर किसी meal की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम article use करेंगे, but in general cases we don't use any article before the names of meals. Okay? Like the lunch you arranged for me was amazing. In particular cases, if you are specifying any meal, then we will not go for any article. Okay? Now, next one. Before names of language or color,
Okay, so before the names of language or color, we never use articles. Example, I do not know Hindi but know English. तो यहाँ पर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश. सो बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेजेस वी नेवर यूज आर्टिकल. इफ वी यूज आर्टिकल बिफोर दैम देन होल मीनिंग विल बी चेंज. द हिंदी से मतलब हो जाएगा जो हिंदी को फॉलो करते हैं वो लोग, और द इंग्लिश जो इंग्लिश को फॉलो करते हैं, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग. ओके, नेक्स्ट रूल इज Before names of things सिंगल इन काइंड लाइक हेल, हेवन, गॉड, पार्लियामेंट, पैराडाइज. तो कुछ चीज़ें जो सिंगल है नंबर में, उनसे पहले भी हम क्या आर्टिकल यूज नहीं करते कभी. बट दीज आर एक्सेप्शनल. द पोप, द डेविल, दे आर ऑल्सो सिंगल इन नंबर, बट द डेविल एंड द पोप दे आर फिक्स्ड. एग्जाम्पल, सो वी ऑलवेज राइट गॉड इज ग्रेट. We never write the God is great या a God is great, है ना. Now practice questions. Find out the part which has an error in the following sentences. So we'll have four parts, three parts of a sentence and fourth one is no error. So you have to find out the error. Being a MA only, he could not be appointed to the post of lecturer. No error. बताइए यहाँ पर विच, इन विच पार्ट वी आर हैविंग एरर. बीइंग अ एमए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ लेक्चर. नो एरर. सो नाउ लेट मी टेल यू, बीइंग एन एमए, क्योंकि एमए का जो साउंड है ए निकल रहा है साउंड, और हमेशा जो ए ई आई ओ यू वाले साउंड वाले वर्ड्स होते हैं उनसे पहले वी ऑलवेज यूज एन एज अ आर्टिकल. Okay, so here the correct sentence will be being an MA only, he could not be appointed to the post of lecturer. Okay, next one. One should be true to one's promises in order to earn name or fame in the life. Okay. So here what is the error? One should be true to one's promises in order to earn name and fame in the life. The correct answer is there is an error in part C, name and fame in life. Okay, simply we'll write name and fame in life. Okay, the correct answer is C. Book I read last week was an interesting one. No error. Okay, so book I read last week was an interesting one. What is the error in this sentence? The error is in part A, the book. क्योंकि हम यहाँ पर किसी particular book की बात कर रहे हैं. The book I read last week was an interesting one. So in which part we are having error? In A part. Okay, next one. I'm not wealthy. So I cannot afford to buy a expensive car. Find out the error. Very easy. I am not wealthy. No error. So I cannot afford. No error. To buy a expensive or an expensive. An expensive. So error is in part C. Hope this is clear. Last one is he had no illusion of being either a distinguished writer or a editor. So find out the error. Writer or a editor or writer or an editor. Writer or an editor. So the error is in part C. I hope you have learned so many things today. So thanks for watching this video.